दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको इस देश और दुनिया से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजा सद्दीन ओवैसी, ओवैसी बोले फिलिस्तीन वाले मामले में भारत सरकार दोनों ही जो है यहाँ पर इसराइल है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बढ़ गई है जो है यहाँ पर इसराइल की मुश्किलें। दरअसल आपको बताते चले गाजा पट्टी पर जो कब्जे का सपना था वो टूट गया है क्योंकि ईरान ने ताबड़तोड़ जो है यहाँ पर हमला कर दिया है वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले तेलंगाना में अजहरुद्दीन को दिया गया टिकट, बताएंगे आखिरकार क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी में मची है खलबली। दरअसल आपको बता दें पूर्व सैनिकों को जिनको आठों सैनिकों को फांसी दी जा रही है कतर में, वो वही देश है दोस्तों जिसने नुपुर शर्मा पे सबसे पहले एक्शन लिया था। बताएंगे क्या था ये पूरा मामला जिसके ऊपर मोदी सरकार झुक गई थी वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम करती है, वो आम जनता का विश्वास तोड़ती है, ये हार का डर है जो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहा है वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह बोले मैं जेल जाने से नहीं डरता, सच बोलता रहूंगा चाहे बीजेपी कुछ भी इस पर एक्शन ले ले वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर बीजेपी विपक्ष को डराने का काम कर रही है वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पूरी तरीके से इसराइल फंस गया है। दरअसल आपको बता दें इसराइल ही सैनिक ही अब बगावत पर उतर आए हैं, वहां के लोग ही इसराइल से जो है उनके लोगों का पता मांग रहे हैं कि हमारे जिन लोगों को किडनैप किया गया है उनको छुड़वाया जाए वहीं पर। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें बिहार में नीतीश कुमार बाहरियों को दे रहा है नौकरी। जीतनराम मांझी ने बोला हमला तो नीतीश कुमार ने जमकर घेरा पूरी बीजेपी को वहीं पर। दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी के एक और मंत्री हुए गिरफ्तार तो भड़क गई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली बीजेपी मनमानी कर रही है। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरी तरीके से इसराइल हुआ बर्बाद। आपको बताते चले जिस तरीके से पूरे इसराइल को एक घेर लिया गया है खास करके हमास और ईरान की तरफ से, उससे इसराइल के जो हौसले थे दोस्तों पूरी तरीके से ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। दरअसल इसराइल में लगातार जो है मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और इसराइल जो है वो हमास के तमाम लोगों को फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहा है। इसी को लेकर आपको बताते चले इसराइल को पूरी दुनिया में आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वो बात अलग है दोस्तों कि वो उस बेगैरत इंसान की तरह है इसराइल का नेतन्याहू कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डर जरूर गया है वो। आपको बताते चले इसराइल और उन्होंने पहले ही चेता दी है, इसराइल ने साफ कहा है कि अगर जमीनी हमले शुरू कर दिए तो ये इसराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल ने जमीनी हमले शुरू किए तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि इसके बाद वो कोई गलती नहीं कर पाएगा। आपको बताता चलो ईरान ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है हम इसका विरोध करते हैं और उसका खंडन भी करते हैं। ईरान ने आपको बताते चलो इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी लपेटे में ले लिया। ईरान ने बोला कि अमेरिका भी जो है वो पूरी पूरी मदद कर रहा है इसराइल की, लेकिन अमेरिका ये ना भूले कि अगर इस आग की लपटें तेज हो गई तो अमेरिका को भी जलाएंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल चाहे कुछ भी कर लें ये लोग, लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई दे रही कि इसराइल और ईरान की दोस्तों इस लड़ाई में हमास और ईरान की लड़ाई में इसराइल की लड़ाई में ईरान का बड़ा नाम है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ईरान ने पीछे से हेल्प की है हमास की। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, क्या हमास सच में एक आतंकवादी संगठन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इससे पहले हमास के खिलाफ कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। आपको बताते चले ये सिर्फ एक चीज ये है कि हमास अपना बदला ले रहा है तो आज इन लोगों को आतंकवादी नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों जब कल ये लोग बेचारे फिलिस्तीनियों को मार रहे थे तब किसी को गलत नहीं लगा। मैं अभी भी कहता हूं दोस्तों हमास ने जो हमला किया वो बेहद गलत है और निंदनीय है। हिंसा को किसी भी रूप में हम सही नहीं बता सकते, लेकिन ये हुआ क्यों है ये इसकी जड़ समझिए। फिलहाल चलते बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी में हार का डर है, पांचों राज्य बीजेपी हार रही है और 2024 का चुनाव भी वो हार जाएंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि जब भी बीजेपी को डर लगने लगता है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने लगती है। राहुल ने कहा इन एजेंसियों से हमें डर नहीं लगता, विपक्ष किसी भी हाल में नहीं डरेगा, वो अपना काम सही तरीके से करता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हमें डराने का काम कर रही है, वो तमाम विपक्षों के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा रही है। राहुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या बीजेपी में कोई भी करप्ट नहीं है या बीजेपी के सारे नेता जो है यहाँ वो ठीक है। दरअसल दोस्तों साफ सी बात है कि बीजेपी अपने नेताओं को तो बिना दागे बताती है और उसके एक भी नेता के ऊपर कोई छापा भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों कांग्रेस की या फिर अदर पार्टीज की, तो आपने भी देखा है कि उन सबके ऊपर लगातार छापे पड़ना है। और सवाल वही उठता है दोस्तों कि अगर जब आप छापे पड़वा ही रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ये जानबूझकर कर रहे हो, आप सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही अपनी हिम्मत दिखाने का काम कर रहा हूं। क्योंकि जाहिर सी बात है आपको ये फील हो रहा है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं दोस्तों कि बीजेपी की जो एक असलियत है, बीजेपी की असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल घिर गया पूरी तरफ से और इजराइल के साथ साथ भारत भी फंसा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमारा इंडिया जिसने हमेशा हमास का फिलिस्तीनियों का साथ दिया और जो है यहाँ पर फिलिस्तीन की जमीनों के ऊपर वो हमेशा बयान देता रहा भारत, लेकिन दोस्तों इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते मोदी सरकार घिर गई है। दरअसल एक तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको तमाम मुस्लिम देश बहुत प्यार करते हैं, अगर प्यार करते दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सच नहीं है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री के राज्य में एक सवाल पूछा गया था सबसे, पूरे देशों से ये पूछा गया कि क्या फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा दे देना चाहिए, एक अलग देश बना देना चाहिए। तो आपको बताते चले कई लोगों ने इसमें वोटिंग की, लेकिन इसमें भारत जो है वो दूर रहा, जापान भी दूर रहा, सीरिया भी दूर रहा और भूटान जैसे ऐसे देशों ने जो है वोटिंग ही नहीं की। अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है बाहरी लोगों ने कि क्या भारत जो कि हमेशा से फिलिस्तीन के साथ था वो फिलिस्तीन के खिलाफ हो गया है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों फिलिस्तीनियों को उनकी अपना एक जैसे हमारे देश में एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए वैसे फिलिस्तीन को भी एक देश का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में सभी लोगों ने इसकी मांग की थी, बड़े बड़े देशों ने इसमें वोटिंग भी की थी, ज्यादातर लोगों ने कहा था कि हाँ फिलिस्तीन को जो है एक अलग देश घोषित कर देना चाहिए, लेकिन भारत ने इसमें वोटिंग नहीं की थी, भारत इससे बचकर रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नेतन्याहू से प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी दोस्ती है, नेतन्याहू से प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती निभा रहा है, जबकि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए जनाब अमेरिका पहुंच गए थे और वहां पर प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, लोगों ने बुरी तरीके से हरा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे तो जो बाइडेन से ही दोस्ती कर ली, और मुझे पक्का यकीन है जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल, इन तीनों की दोस्तों बातचीत हुई है, पक्का हुई है इजराइल वाले मुद्दे पर। इसीलिए विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री अपील करें कि वहां पर शांति हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री थोड़े कटा कटा वो कर रहे हैं व्यवहार दोस्तों फिलिस्तीन के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री की नेतन्याहू इजराइल का जो पीएम है उससे अच्छी खासी दोस्ती है। आपको याद होगा पेगासस वाला मुद्दा जब उठा था तो बीजेपी पर आरोप लगे थे कि बीजेपी ने जो है यहाँ पर पेगासस वाले मामले में उनसे इजराइल से उनका सबसे खतरनाक वेपन सॉफ्टवेयर खरीदा है और उससे ही सबकी जासूसी की गई थी। तब से ही ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या बीजेपी का भी इसमें कुछ रोल है, और ये इसलिए भी पता किया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज अगर कोई किसी टॉपिक पर बात करता है तो दूर तक जाती है, और इसमें भारत कहीं ना कहीं पिसा रहा है क्योंकि लोगों ने सवाल उठाया कि फिलिस्तीन का दर्द हमेशा से भारत देखता आया है और सपोर्ट भी करा है, लेकिन अब की बार पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों जिसको लेकर ये सारा का सारा टेंशन और मुद्दा क्रिएट हो गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का, दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, ओवैसी ने दोनों को लिया लपेटे में। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इजराइल है, उन्होंने कहा कि इन दोनों ने ही जो है यहाँ पर हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, एक हमें बी टीम बताता है तो एक कहता है कि ओवैसी का स्टेयरिंग किसी और पार्टी के हाथ में है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में आते हैं और कहते हैं कि ओवैसी की सीट का जो वो है हैंडल वो किसी और के हाथ में है ड्राइविंग का, और वो कोई और ही चला रहा है गाड़ी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि ये सब के सब मुझ पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस
ये दोनों ही जो है यहाँ पर भाई भाई हैं। उन्होंने कहा ये दोनों भाइयों की पार्टी है, और ऐसे में उन्होंने कहा कि इन दोनों के पास और कुछ काम नहीं है, मुद्दे नहीं है, तो ये लोग हर कुछ आकर उठाने लगते हैं तेलंगाना में। और वैसी ने भड़कते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरी बहुत इज्जत करते हैं मुस्लिम देश। उन्होंने कहा कि अगर आपकी इतनी इज्जत करते हैं तो फिर आप ये वॉर क्यों नहीं रुकवा रहा, क्यों आप जो यहाँ पर इसराइल और फिलिस्तीन के वॉर को रुकवाते नहीं हमास के। आपको बता दें वैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। उन्होंने पूर्व जो सैनिकों जिनको कतल में सजा सुना दी 8 साल की सॉरी फांसी की, उन 8 सैनिकों को बचा नहीं पाए प्रधानमंत्री। ओवैसी ने कहा कि अभी भी हमारे पास टाइम है, उन्हें बचाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने ये मुद्दा बहुत पहले का उठाया हुआ है, हमारा एक जितने भी मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर ओवैसी ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए। खास करके दोस्तों जो ये पूर्व सैनिकों वाला बात है, 8 लोगों को फांसी सुना दी गई है, आरोप ये है कि उन्होंने इसराइल के साथ यहाँ की जो जानकारी थी वो लीक की है, जिस कंपनी में लोग काम करते थे या फिर काम करने का जो भी था उनका, पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन लोगों ने जासूसी की है, क्योंकि कतर ने इस कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया था लेकिन उसे बेल दे दी गई। अब दोस्तों ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, और इस पर इस मामले पर कहीं ना कहीं कैसे जो है ये सारी चीजें हुई हैं, तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले हमारा देश छोड़कर सारे देशों की चिंता है प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा ईडी सीबीआई लगा रखी यहां पर तो लोगों के पीछे, इसलिए प्रधानमंत्री बेफुर्सत में है। दरअसल आपको बताते चले ये आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी ने कि बीजेपी डरी हुई है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी हार से डर रही है और इस हार में उसको अपनी हार दिखाई दे रही है। आपको बता दी चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी 2024 का जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वह हार जाएगी। और यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि लोकसभा के साथ साथ बीजेपी जो है इन 5 राज्यों के चुनाव भी हार रही है। संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है, इसीलिए वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि इस वक्त वो क्या कर रही है। लेकिन सवाल क्या है दोस्तों, सवाल ये है कि संजय रावत जो है वो इस मुद्दे पर बीजेपी के ऊपर सवाल उठा ही रहा है और वो हमेशा से बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि संजय रावत ने हवा में तीर छोड़ दिया दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बार बार बात भी करते हैं और बोलते भी हैं। इसी को लेकर संजय रावत ने जमकर बीजेपी को लपेटा और उन्होंने कहा कि सब लोग जानते हैं बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ विपक्ष के घरों पर ईडी और सीबीआई भेज रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 10-10 नाम दे रखे हैं बीजेपी के सबसे करप्ट नेताओं के, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संजय रावत ने कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है जो जनता देख रही है, सिर्फ विपक्ष के ऊपर जो है यहां पर वो पढ़वाई जाते हैं छापे, लेकिन अपने नेताओं को दोस्तों किस तरीके से बचाया जा रहा है ये सब लोग देख ही रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कतर के आगे क्यों फेल हो रही है दोस्तों सारी सरकारें, क्यों सारे देश जो है दोस्तों कतर से पंगा नहीं लेते। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा हमारे जो भारत देश है इंडिया, यहाँ पर एक नुपुर शर्मा नाम की एक लेडी थी जिन्होंने सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ाया था और पता नहीं उनके बारे में क्या क्या कहा था। और दोस्तों अब आपको बता भी दूं कि वो पहला देश कौन सा था जिसने नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो कतर ही था दोस्तों। यही नहीं, कतर ने बकायदा विदेश मंत्री हमारे भारत के जो विदेश मंत्री थे उनको पत्र तक लिखा था कि इस तरीके की टिप्पणी कैसे की गई। तब दोस्तों बीजेपी को सारे मुस्लिम देश बीजेपी के खिलाफ हो गए थे कतर के बाद, लेकिन सबसे पहला कतर ही था जिसने बायकॉट का भी ऐलान कर दिया था भारत के सामान के। आपको बताते चले कतर के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा था और ये बयान भी दिया था उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कि नुपुर शर्मा की राय से हमारी राय मिलती नहीं है, ये हमारी पार्टी का बयान नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी विचारधारा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली है। लेकिन आप समझिए ये बयान जब दिया गया था दोस्तों तो उस वक्त नुपुर शर्मा निशाने पर थी और नुपुर शर्मा की मुश्किलें अब कैसे बढ़ गई है दोस्तों, सॉरी जब कैसे बढ़ गई थी। नुपुर शर्मा बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता स्पोक पर्सन मानी जाती थी, लेकिन उनके इस बयान के बाद से ही दोस्तों वो अंडरग्राउंड हो गई थी, उनके ऊपर कई FIR भी दर्ज थी, उनकी गिरफ्तारी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी कि उनकी गिरफ्तारी
नहीं होगी। लेकिन आपको बताते चले, नुपुर शर्मा को बर्बाद करने में कतर का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि कतर ने साफ कह दिया था कि ऐसे लोग जो पैगंबर मोहम्मद की बुराई कर रहे हैं इनको माफ नहीं किया जाएगा। जिसके बाद बीजेपी ने बाकायदा ये पूरा का पूरा बयान जारी कर दिया था कि ये हमारी सोच नहीं है, और नुपुर को सस्पेंड भी कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि उसके बाद नुपुर शर्मा गायब हो गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जीतन राम मांझी बोले बिहार में नीतीश कुमार बांट रहे हैं बाहर नौकरियां। तो आपको बताते चले, नीतीश कुमार होगा जीतन राम मांझी के ऊपर हमलावर। दरअसल आपको बताते चले, जीतन राम मांझी ने यह आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार वोट तो बिहार के लोगों से ले लेते हैं, लेकिन नौकरियां बिहार के बाहर के लोगों को दी जा रही है। जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी नाम बता दे किसको हमने बाहर वालों को नौकरियां दी, हमने तमाम जो ज्यादातर लोग बिहार के उन्हीं को नौकरियां दे रखी है। आपको बताते चले, यही नहीं उन्होंने जीतन राम मांझी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जीतन राम मांझी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग जातीय जनगणना से भटका रहा है, ये नहीं चाहते कि देश में जातीय जनगणना हो या फिर काम के मुद्दे पर बात हो। सवाल वही है दोस्तों, जातिगत जनगणना हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, बीजेपी हर मुद्दे से क्यों भागती है? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को हर मुद्दे पर बात करना चाहिए, बीजेपी हो या बीजेपी तो अलग पार्टियां, इस मुद्दे पर अगर दोस्तों बात हो तो अच्छा होता। लेकिन एक चीज साफ हो गई कि ये तमाम मुद्दों पर अब जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो अपनी बात रख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को घेरने में लगा है विपक्ष। क्योंकि आपको बताते चले, विपक्ष के पास पूरा वो है कि बीजेपी ने कहां क्या घोटाले किए हैं, कहां पर क्या हुआ है। लेकिन आपको बताते चले, अब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि बीजेपी जब हमारे साथ सत्ता में थी तब से नौकरियां बट रही हैं, तब तो बीजेपी ने नहीं कहा कि हम बाहर के व्यक्तियों को नौकरी देना है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप समझिए जीतन राम मांझी बीजेपी में शामिल हुए तो उनको ये सारी चीजें ध्यान में आने लगी। इससे एक चीज तो साबित हो जाती है कि जीतन राम मांझी दोस्तों पूरे बीजेपी के भक्त बन चुके हैं, वो बीजेपी की तरफ से बयानबाजियां कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, और ये साफ दिखाई देता है कि जीतन राम मांझी जो दोस्तों बीजेपी के लिए पूरी तरीके से गेम खेल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और देखना यह भी होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इसराइल के ऊपर जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर हिजबुल्ला ने बरसाए रॉकेट, एक के बाद एक रॉकेटों की कर दी बौछार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हम्मास और हिजबुल्ला इन दोनों ने इजराइल का जीना एक तरीके से मुश्किल कर दिया, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से आम लोगों को मार रहा है वैसे ही हम्मास और हिजबुल्ला भी दोस्तों इनसे बदला लेने की पूरी कसर कर रहा है। आपको बताते चले, अब हिजबुल्ला ने कल एक के बाद एक बड़े रॉकेट दागे, और रॉकेट के बाद ये साबित हो गया कि फिलहाल इस वक्त कहीं ना कहीं इस चीजों में घिरी हुई है सरकार। और एक चीज तो साफ है दोस्तों, आज हमारे देश में जो भी हो रहा है या फिर जिन चीजों पर बात कर रहे हैं हम, उसको लेकर सरकार घिरी हुई है, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक, क्योंकि हर मुद्दे की बात हो नहीं पाती है। और ऐसे में अब सरकारें जो है दोस्तों वो अपना रुख बदलेंगी या नहीं, क्योंकि आपको बताते चले इसराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, और ये हमले जो है यहाँ पर हिजबुल्ला ने कर दिए। हिजबुल्ला ने साफ कहा है कि इसराइल से वो अपने 6 लड़ाकों की मौत का बदला भी लेगा। और अगर आप मुझसे पूछो दोस्तों, तो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त जो हो रहा है, जो हिजबुल्ला कर रहा है, वो कहीं से सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों हिजबुल्ला आम इंसानों को ना मारे, हालांकि हिजबुल्ला आम इंसानों पर नहीं बरसा रहा है, लेकिन फिर भी वो एक आतंकवादी संगठन माना जाता है दोस्तों। पर इसराइल जो कर रहा है दोस्तों, उसको तो माफ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसराइल ने तो सारी हद ही पार कर रखी है, उसने तो वहां के मासूम लोगों को बंधक बना लिया है, उनके ऊपर बम गोलियां बरसा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल की हरकत के कारण ज्यादा परेशान है लोग अकॉर्डिंग टू इसके, तो इससे ये कहना भी सही है दोस्तों कि इस वक्त काफी बड़ा झटका लग सकता है इसराइल को, क्योंकि उसने जो किया है उस चीज को माफ नहीं किया जा सकता। इसराइल लगातार बेचारे फिलिस्तीनियों की जानें ले रहा है, और इस चीज पर हमें बात करना चाहिए, खास करके देश का एक बड़ा मुद्दा है दूसरे देशों का। फिलहाल दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, इसमें कौन गलत दिखता है आपको, आप इसराइल का सपोर्ट करते हैं या फिर फिलिस्तीन का, कमेंट बॉक्स में बताकर जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी दोस्तों मिलते रहे। और आप हमसे